हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं ताराहुल के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, यानी कि तारा के और राहुल के ऊपर। काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी, लेकिन अब लगता है मुझे कि बनानी चाहिए। तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ, वो तारा राहुल के ऊपर बना रही हूँ। सॉरी, टेबल में मेरे ना पैर लग गया था, तो उस वजह से फ़ोन हिल गया। तो अब जैसे कि आपको पता है कि राहुल भैया जो हैं वो घर आ चुके हैं, और यही पता है लोगों को कि वो जो घर आए हैं वो पूरे एक साल के बाद आए हैं, है ना। तो सब लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि राहुल भैया पूरे एक साल के बाद ध्रुव से मिले हैं और तारा से मिले हैं। और एक साल के बाद जो मिलने की खुशी होती है वो क्या होती है, वो एक पत्नी ही जान सकती है। कि जब वो अगर अपने पति से एक महीने तक दूर रहना कितना मुश्किल होता है, और तारा तो एक साल तक दूर रही है, तो वो तारा को ही पता है कि उसको अंदर उसको कितनी खुशी है राहुल से एक साल के बाद मिलने से। और राहुल को ही पता है कि उसे अपनी फैमिली से एक साल के बाद मिलने पर क्या खुशी हुई है। ये नहीं है कि सिर्फ तारा को ही खुशी हुई है, माँ बाबा सबको ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी इस चीज़ से कि राहुल भैया एक साल के बाद वापस अपने घर आए हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि तारा को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है। इसका ही पति है बस फौज में, और अब माँ बापों को नहीं, माँ और पापा को नहीं दिखाती है। कितनी गंदी तरीके से बात करती है राहुल से, ये वो पूरा कमेंट सेक्शन सिर्फ इन्हीं चीज़ों से भरा रहता है। तो मेरा जो चैनल है वो एक रिएक्शन चैनल है, तो मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। तो अगर किसी को रिएक्शन वीडियो नहीं पता है क्या होती है, तो पहले वो एक बार यूट्यूब पर सर्च कर ले रिएक्शन वीडियो क्या होती हैं, उसके बाद फिर आकर कमेंट करें। अदरवाइज अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं अच्छे वे में। अगर गलत वे में कोई रखने की कोशिश करेगा तो उसको फिर डायरेक्ट रिमूव किया जाएगा, इसलिए पहले ही बता देती हूँ। तो सबसे पहले कहती हूँ, तारा राहुल को तू करके बोलती है कि तू ये कर ले, तू वो कर ले। तो एक बताऊँ, जब लव मैरिज होती है ना, और लव मैरिज में भी कुछ फ्रेंड्स सर्किल रहता है, मतलब फ्रेंड्स वाला रहता है दो चार साल तक रिलेशन में रहने के बाद जब शादी होती है ना, तो नॉर्मली ना ये तू वाली भाषा और तू वाली लैंग्वेज ना अपने आप मुंह से निकल आती है। जब अरेंज मैरिज होती है उसके बाद आप बहुत से नॉर्मली लव मैरिज वाले भी आप करके बोलते हैं, लेकिन जो लव मैरिज वाले होते हैं ना, वो जब तक उनका दोस्ती का रिश्ता होता है पहले, कि वो एक दूसरे से ऐसे ही इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन फिर भी तारा ने बोला था कि मैं आप लोगों से सामने अब राहुल भैया राहुल से आप करके बात करूंगी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से तू निकलता है। तो वो एक आदत होती है जो दोनों में, उनमें पहले से ही, शादी से पहले से ही। तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही अगर तारा सुधारेगी तो ही सुधरेगी। ऐसे नहीं है कि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एकदम से वो आपके बोलने लग जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब से पति आया है ओवर एक्टिंग करने लग गई है, ओवर एक्टिंग की दुकान ये वो। अरे भाई देखो, जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके हस्बैंड उनसे दूर रहते हैं, उनसे पूछो कि पति से जब एक साल के बाद मिलते हैं तो वो खुशी क्या होती है। जो अनमैरिड हैं, जिनको इस खुशी के बारे में पता ही नहीं है, तो देखो वो तो ऐसे कमेंट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैरिड हैं और जिनके पति काफ़ी टाइम के बाद घर आते हैं, तो उनको पता है कि इस टाइम पति के साथ जो खुशी होती है वो शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, कि इस टाइम वो अपने पति के साथ है। पूरा साल तो उसने ऐसे ही निकाल दिया बिना पति के, आप लोगों के साथ हंस के मुस्कुराते बात करते हुए, कभी आप लोगों के सामने रो के नहीं दिखाया, कभी इमोशनल होकर नहीं दिखाया, हमेशा हंसते खेलते ही निकाल दिया। अगर एक साल के बाद तारा को खुशी नसीब हुई है, तो उसको ओवर एक्टिंग नहीं, उसको खुशी बोलेंगे। तारा जो है अब फैमिली में से मम्मी पापा को किसी को नहीं दिखाती है, सिर्फ राहुल को दिखाती है। तो पूरे साल से आपने मम्मी पापा, दादा दादी, कन्नू और इन सबको तो देखा है। इन सब के बीच आप तो बोलते थे कि राहुल भैया को मिस कर रहे हैं, राहुल भैया को आए कब आएंगे, कब उनको देखेंगे। और अगर अब राहुल भैया को दिखा रही है वो, तो प्रॉब्लम है कि फैमिली वाले को नहीं दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले को जान पूछ के इग्नोर किया जा रहा है। बात यह है कि ज़्यादातर जो वीडियो बनाई जा रही है वो राहुल भैया के साथ बनाई जा रही है। पहले राहुल भैया नहीं तो फैमिली वालों के साथ टच में रहती थी, लेकिन अब कुछ टाइम मिला है अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करने का, उसके बाद राहुल भैया फिर अपनी जॉब पे चले जाएंगे, फिर पता नहीं वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आएंगे। तो ये जो पल है ना, वो समेट के रखना चाहती है, ताकि जब राहुल भैया वापस जाएँ तो
इन यादों को देखकर, इन यादों के सहारे वो टाइम जो है राहुल भैया जाएंगे तो वो टाइम कट जाए, ठीक है। फैमिली वालों से तो आप डेली मिलते हो, कब नहीं देखते हो। अब अगर राहुल भैया हैं तो उनके साथ वीडियो बनाएगी ना वो, क्योंकि मुश्किल से एक साल के बाद ये पल मिला है, तब खुशी का पल मिला है, तो उनके साथ ही स्पेंड करना बनता है। पापा जी से तमीज़ से नहीं बोलती है, ये इसे कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, ये है वो है। यार भैया अगर हमारे यहाँ क्या होता है, ससुराल में जो होता है, ससुर के सामने फालतू बोलते नहीं हैं, ये तो हमारे ससुर हैं, इनसे पल्ल करके रखते हैं। लेकिन अगर कोई ससुराल वाले अपनी बहू को अपनी बेटी बना के रख रहे हैं और उनका रिलेशन ऐसा अपने सगे पापा के साथ नहीं है जिन्होंने उसे पैदा जन्म दिया है, जितना अपने ससुर पापा के साथ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ससुराल में जो बेटी तारा है वो बहू की तरह नहीं एक बेटी की तरह रहती है। और ऐसे ही ससुराल वाले तारा को एक अपनी बहू नहीं मानते, अपनी बेटी मानते, क्योंकि तारा ने बेटी वाला और बेटे वाला सारे फर्ज निभाए हैं राहुल भैया की एब्सेंट में। जब राहुल भैया नहीं होते हैं तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान तारा ही रखती है। अगर वो ऐसे रहेगी जैसे सास ससुर और अलग अलग रहे तारा से, ये करें वो करें, तो कौन बहू रह लेगी, किसी का मन नहीं लगेगा ससुराल में। अगर वो खुल के रहती है, बेटी बन के रहती है और बेटी बना के वो रखते हैं, तो इस चीज़ से तो हमें कुछ सीख मिलती है ना कि दूसरों की जब बेटी से हम शादी करके लाते हैं तो उसको अपने घर लाने के बाद बहू और बेटी में अंतर ना रखें, बल्कि बेटी और बहू एक होती हैं। जब हम अपनी बहू को अपनी बेटी मानेंगे ना, तो बहू जो है ना वो ऑटोमेटिक सास ससुर को अपने मम्मी पापा मानेगी, क्योंकि इज्जत करने से ही इज्जत मिलती है। अब तारा रोटी नहीं बनाती है, कुछ काम नहीं करती है, सारा काम तो राहुल की मम्मी करती हैं, आंटी जी करती हैं। तो अब तो मिस मिल जाता कि आप लोग जाके देख, 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप ये कैसे पता लगा लेते हो कि तारा कुछ काम कर रही है नहीं कर रही है, या फिर वो अगर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रही है राहुल के साथ, इधर घूमने जा रही है या उधर घूमने जा रही है या फिर कुछ शॉपिंग करने जा रही है, तो आप इस चीज़ पे घूम फिर की वही बात आती है ना ये कि तारा को एक साल बाद राहुल भैया उसे मिले हैं, है ना। तो वो घर वाले भी यही चाहते हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वाइफ के, राहुल भैया अपनी वाइफ के और अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें और तारा भी राहुल के साथ ही स्पेंड करें, क्योंकि राहुल भैया को कुछ टाइम के बाद फिर जॉब पर जाना है, ठीक है। तो यही टाइम मिलता है एक फौजी वाइफ को कि वो कुछ टाइम अपने पति के साथ निकाले, उनके साथ घूमे फिरे। और अगर ससुराल वाले इस बात को समझ रहे हैं कि भाई कुछ टाइम के बाद हमारा बेटा चला जाएगा और हमारी बहू बेटे के पास यही टाइम है जब वो आपस में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी की अच्छी बात है कि एक अंडरस्टैंड ससुराल वाले हैं जो समझते हैं अपनी बहू की, बेटे की और अपनी सबकी फीलिंग समझते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दुख होने वाली कौन सी बात है। वो मेरी समझ में नहीं आता है एक बात, जब तक राहुल भैया नहीं थे तो राहुल भैया को बुलाओ, राहुल भैया कब आएंगे, राहुल भैया कब आएंगे, रोज़ फैमिली को दिखाती रहती है, रोज़ इसको दिखाते। अब जब राहुल भैया आ गए हैं तो अब फैमिली वाले को क्यों नहीं दिखाती है, अब उसे क्यों दिखाती है। भाई ये लोग ऐसे हैं, इनको ना ना तो तारा इनकी बात मान के इनके साथ चले तो भी इन्हें दुख है, और तारा इनके हिसाब से ना चले तो भी इन्हें दुखी है। तो भाई ये दुखी ही रहने वाले हैं, ये कभी सुख से नहीं रहने वाले, और इनको नहीं पता। ये वही लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और उनको नहीं पता कि एक पति और पत्नी का रिलेशन कैसा होता है, और जब पति पत्नी से एक साल के बाद मिलता है तो फीलिंग क्या होती है, वो फीलिंग ही अलग होती है, ठीक है। तो इन लोगों को अभी इस चीज़ का एहसास नहीं है, तो इसलिए तारा और राहुल भैया इन लोगों की बात को इग्नोर करें और आपके पास जो आपका ये कीमती वक्त है ना, जो आप दोनों साथ में है, उसे अच्छे से इंजॉय करो, खूब मस्ती करो। एंड गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे दोनों को और तुम्हारे पूरे परिवार को और खासकर ध्रुव को। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।